क्या फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच डील अटक सकती है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस डील पर रोक लगा दी है। अमेज़न की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिलायंस और फ्यूचर डील पर जवाब मांगा है। इस डील पर अमेज़न के अड़ंगे से बिग बाजार समेत फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले और इससे सप्लाई चेन के तौर पर जुड़े 11 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। रिलायंस इस डील को परस्यूड करे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके बीच बहुत से ज्यादा 6-7 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो कुछ और पैसा फ्यूचर ग्रुप को दे के इस बिजनेस को चालू रखने की बहुत सर्वोत्तम कोशिश करे, जिससे हजारों बेरोजगार होने से बचेंगे और बैंकों का मुनाफा हो, बैंकों के पैसे भी बचेंगे, इसमें एनपीएस नहीं होंगे। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे डिपेंडेंट लाखों एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी लाइवलीहुड का इशू है, लाइवलीहुड खतरे में है, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के सहारे वित्तीय संकट में डूबे जाने से कंपनी के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया था। इससे कंपनी में काम कर रहे और सप्लायर्स के तौर पर जुड़े लाखों कर्मचारियों की आस केवल रिलायंस के साथ होने वाले सौदे पर थी। बीते अगस्त में करीब 24 हजार करोड़ की ये डील हो गई थी, लेकिन इसके बाद फ्यूचर कूपन्स में 1500 करोड़ के निवेश का हवाला देकर अमेज़न ने सिंगापुर की एट्रिब्यूशन कोर्ट में मामला दायर कर दिया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सौदे को रुकवाने के लिए अपील की। इस बीच सीसीआई और सेबी ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। इस डील के होने से अमेज़न को रिटेल सेक्टर में अपने बढ़ते दबदबे को कमजोर पड़ने की आशंका है। वहीं रिलायंस इस सौदे के पूरा होने से ई कॉमर्स सेक्टर में अमेज़न के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है, जबकि एफडीआई नियमों के तहत अमेज़न फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का मंसूबा पूरा नहीं कर पा रहा है। जिन कूपन्स की वजह से अमेज़न ने आपत्ति लगाई है, इस पर ईडी ने भी जाँच शुरू कर दी है, लेकिन इस सारे विवाद में लाखों कर्मचारियों का रोजगार संकट में आ गया है। फ्यूचर ग्रुप के देश भर के 450 शहरों में 2000 स्टोर्स हैं, जो डील न होने और कोई खरीदार न मिलने पर बंद हो सकते हैं। इससे फ्यूचर ग्रुप में काम करने वाले 60,000 और प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स के 10 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ सकता है। कंपनी के करीब 6,000 वेंडर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्यूचर ग्रुप पर 6,000 करोड़ का बकाया है, जो डील न होने की वजह से डूब सकता है। साथ ही आगे के लिए एक जमा जमाया कारोबार खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकों का भी फ्यूचर ग्रुप पर करीब 18,000 करोड़ बकाया है, जो समाधान न निकलने पर एनपीए बन सकता है। सप्लायर्स का कहना है कि कोरोना काल में पहले से ही कारोबार संकट में है, अगर इसका समाधान न निकाला गया तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस डील के न होने से हमारे मेंबर्स को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो माल वो सप्लाई करते थे उनकी पेमेंटें रुक गई हैं, फ्यूचर रिटेल उनकी पेमेंट नहीं कर रहा है, और जो पेमेंट उनकी रुकी हुई है उस पर इंटरेस्ट हमारा मेंबर बैंक को दे रहा है, इससे उनको दोहरी मार पड़ रही है। जितनी ज्यादा देरी हो रही है इस डील में, उतनी ज्यादा डर की जो स्थिति है वो दोबारा से पैदा हो गई है कि कहीं हम दोबारा बेरोजगार ना हो जाएं। आज का तारीख में सभी चिंतित इस विषय को लेकर है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। हाल ही में अमेज़न पर चुनिंदा रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगने से भी उसकी साख पर सवाल उठे हैं। व्यापारी संगठन तो लगातार अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना यही है कि अमेज़न की इस सौदे को रुकवाने की कोशिश क्या वाकई लाखों लोगों के रोजगार पर भारी पड़ेगी, या इसका नतीजा जो भी निकलेगा उससे कर्मचारियों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रहेगा।